न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अभिभावक अपनी बेटियों को गर्ल्स कॉलेज इसलिए भेजते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें, लेकिन कॉलेज के शिक्षक ही अगर छात्राओं के साथ संबंध बनाने पर उतर आएं तो इसे आप क्या कहेंगे। रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित गर्ल्स कॉलेज में सेवारत बोटनी के एक प्रोफेसर पर कॉलेज की एक छात्रा ने ऐसा ही गंभीर आरोप लगाया है, जिसे लेकर न केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया बल्कि कॉलेज की दूसरी छात्राओं का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख प्रोफेसर साहब छुट्टी लेकर कॉलेज से ही गायब हो गए। धरने पर बैठी इन छात्राओं की माने तो यह मामला 10 दिन पुराना है, जब बोटनी के एक प्रोफेसर मनोज कुमार ने कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ न केवल व्हाट्सएप पर अश्लील चैटिंग की बल्कि फोन करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को लेकर भी बातचीत की, लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा आरोपी शिक्षक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई न करना अपने आप में शर्मनाक है। इतना ही नहीं, छात्रा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी प्रोफेसर और उसके साथी शिक्षकों ने उल्टा छात्रा पर ही मामले को दबाव बनाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। छात्राओं का कहना है कि वे शिक्षक को भगवान की तरह पूजती हैं, लेकिन जब कोई शिक्षक इस तरह की हरकतों पर उतर आए तो वह किसी कलंक से भी कम नहीं है। ऐसे शिक्षक कॉलेज ही नहीं बल्कि समाज में भी रहने लायक नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि जब तक इस प्रोफेसर को कॉलेज से बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया जाता वे चुप नहीं बैठेंगी। मामले को 10 दिन बीत जाने के बावजूद प्राचार्य का यह कहना कि अभी तक इसे लेकर उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, सरकार के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को तार तार करता है। हाँ, प्राचार्य ने इतना जरूर कहा कि अगर उनके पास कोई लिखित शिकायत आती है तो वे आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। अब देखना होगा कि क्या कॉलेज प्रबंधन आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई संज्ञान में लाता है या फिर मामले को ही रफा दफा कर दिया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, बी सेकंड ईयर की स्टूडेंट। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये है, हमारे साथ की एक लड़की है तो बॉटनी के प्रोफेसर हैं मनोज कुमार, वो उस लड़की को बोलते हैं कि अगर तुझे पास होना है ना तो तू थोड़ी क्लोजनेस बढ़ा, हम बाहर जाते हैं थोड़े घूम फिरते हैं, तू अपनी बता मैं अपनी बताता हूँ किस विष, तो आप समझ रहे हो, आप रेडी हो, वो उससे बात कर फोन करके ये सारी बातें बोलते हैं। ये एक प्रोफेसर को आप खुद देखो शोभा देता है, यूँ कैसे बोल सकते हो? और जो और अध्यापक है वो भी ये बोल रहे हैं कि इस मामले को दबाओ दबाओ, क्यों दबाओ? आपकी बेटी के साथ कल को है, फिर आज उसके साथ हुआ, कल को हमारे साथ होगा, फिर और अध्यापक जो उनके साथ के ये प्रिंसिपल तो ये बोल रहा हमें पता ही नहीं। अरे प्रिंसिपल को नहीं पता, जो और अध्यापक है उनको कैसे पता चल गया? फिर अब झूठ तो कोई भी बोल दे, मैं भी झूठ बोल दूं कि प्रिंसिपल सर को सब पता है, वो भी इसमें शामिल है, लेकिन झूठ अब ये तो यह लगा लो हम सब मिल के बोल दे भाई प्रिंसिपल है झूठा, झूठ बोल रहे हैं वो, और मनोज है वो एकदम सत्यवादी है, कुछ नहीं कर सकता। ये चाहते हैं मनोज इस कॉलेज से जाएगा बाहर, और आगे अगर ऐसे किसी के साथ हुआ ना तो उसके साथ वो हाल होगा, वो याद रखेगा, उसे लग रहा है लड़की है, कोई नहीं दबा देंगे, यूं ही दबा देंगे क्या? पहले यहाँ कार्रवाई करेंगे, अगर उन्होंने बाहर नहीं किया फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन पहले तो पहला काम यही है। अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम खत्म होते ही हम मांगेंगे जवाब कि बताओ उसको बाहर कर रहे हो या नहीं। क्या नहीं क्या मैडम, उस बच्ची के पास कोई चैटिंग के एविडेंस सबूत भी है? उसके पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन अभी हम रिकॉर्डिंग वो आपको सुना सकते हैं, सौरभ सर सुना देंगे, अभी हम किसी के पास सेंड नहीं कर सकते। देखो लड़की की भी अपनी गरिमा है बेचारी, उसकी भी इज्जत है, हम ऐसे नाम नहीं ले सकते, वो भी हमारी एक बहन है। यहाँ हमारे ये छात्र छात्राओं का कॉलेज है, लड़कियों को हमारे हमारे मम्मी पापा हमें गर्ल्स कॉलेज में इसलिए भेजते हैं कि हम यहाँ सेफ रहे, हमारे साथ कोई गलत काम ना हो, और इसी कॉलेज में इतना गंदा सब, और टीचर टीचरों को ये सब देता है क्या, शोभा देता है क्या? और टीचर्स हम अपना गुरु मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं टीचरों को, और ऐसे सब कर रहे हैं टीचर, कलंक है ये टीचर के नाम पे। इनको इस कॉलेज में तो क्या किसी कॉलेज में रहने के लायक ही नहीं है ये, इनको कॉलेज से निकाला जाना चाहिए। हमारे कॉलेज के सेक्टर 18 के गर्ल्स कॉलेज के एक मनोज नाम सर ने एक लड़की की हमारे कॉलेज के एक लड़की के साथ बदतमीजी से बात की जी, इसलिए हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम आज धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हमारी डिमांड तीन है, या तो सर इस्तीफा दें, या तो कमेटी उन पे केस करे, या तो हमें ये विश्वास दिलाया जाए कि आगे से इस कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। संयोजक का दायित्व है, साथ में आप देख रहे हैं एबीवीपी की पूरी रेवाड़ी यूनिट।
क्या प्रोटेस्ट है ये पूरा? प्रोटेस्ट है मनोज कुमार जो कि बोटनी के यहाँ पे प्रोफेसर हैं, उन्होंने सुपरिटेंडेंट पद पे, वो अभी उनके पास कार्यभार है, एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, उन्होंने एक लड़की को फ़ोन किया है कि आपको पास होना है नहीं होना है, साथ में उन्होंने उनसे फिजिकल चीज़ों की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मनोज कुमार कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, साथ घूमने चलो, क्लोजनेस बढ़ाओ, आप किस विश दे दो, आर यू ओके, ये मनोज जी के साफ शब्द है जिसका प्रूफ हमारे पास है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध कर रही है, जब तक वो या तो खुद इस्तीफा ना दे या फिर कॉलेज प्रशासन अपनी ICC कमेटी जो कि यूजीसी का एक सरकारी नियम है, हर महाविद्यालय के अंदर होनी चाहिए ह्यूमन हरेसमेंट सेल, उसके माध्यम से बहुमत पारित करे कि भाई इनको यहाँ से टर्मिनेट किया जाए। प्रिंसिपल तो ये कह रहे हैं कि किसी भी विद्यार्थी की तरफ से हमारे पास अभी तक शिकायत नहीं दी। नहीं, शिकायत विद्यार्थी नहीं, मैं खुद प्रिंसिपल सर नहीं आए थे उस दिन, वाइस प्रिंसिपल सर को मैं बोल के गया हूँ कि इस महाविद्यालय के अंदर ह्यूमन हरेसमेंट केसेस बहुत चल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल सर को मैं, वाइस प्रिंसिपल सर को मैं अपने रिटर्न में नंबर दे के आया हूँ कि सर आपका क्या एक्शन है, हमें सूचित कीजिए। आज तक एक सिंगल कॉल नहीं। कितना टाइम हो गया इस घटना? ये घटना 2 तारीख की है, 2 मार्च की घटना है, और जब हमने कल हाईलाइट कर दी तब लोकल लोगों ने उस चीज़ को दबाने की कोशिश भी बहुत की है, जो स्थानीय नेताएं हैं या फिर सरपंच वगैरह हैं, लड़की के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार करने की अभी भी कोशिश जारी है। साथ में मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसी यदि कोई भी छात्रा है तो समाज को बढ़ चढ़ के उसका साथ देना चाहिए, उसने हिम्मत दिखाई है किसी चीज़ को गलत को बोलने की, ये गलत है। FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। ICC कमेटी का काम है ये कि वो FIR दर्ज करें, ICC कमेटी का ही नियम होता है कि वो इस चीज के ऊपर जो एक्शन लेना चाहे हमारी तरफ से ICC कमेटी फ्री है। आप क्या मानते हैं कि होनी चाहिए? हम DC सर को ज्ञापन देंगे, DC सर को जो उचित लगा वो करेंगे, साथ में कॉलेज प्रशासन को हम ज्ञापन दे रहे हैं, दोनों मांगे हमारी दोनों जगह हैं, जो जिस तरह के माध्यम से इस चीज को हल करना चाहे करेंगे। छात्रा की पहचान गोपनीयता के तहत छुपा के रखी जाएगी, ये जानते हुए भी जो एक्शन जो ले सकता है FIR ले, कोर्ट केस ले जाए, हमें उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरे संज्ञान में अब तक किसी भी बच्चे ने किसी तरह की इस तरह की कोई रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास नहीं किया कॉलेज में। कल हमें पता जरूर चला है, आज हम इस चीज की सारी कमेटी के, अगर कोई रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास आती तो हम इसका जरूर संज्ञान लेंगे। और आपकी इसके अनुसार मैं बता दूं कि मेरी जो है, मेरे जो हायर अथॉरिटीज है उनसे मेरी इस बारे में कंटिन्यूसली बात भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सर, सो से तो बच्चों से अभी बात करेंगे, अभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं, हमारे पास मैसेज अभी आया कि बच्चे इकट्ठे होने स्टार्ट हुए हैं। जब तक बच्चे हमें रिटर्न में, हो सकता है कि बच्चे, अब जैसे आपने लोगों ने हमें बताया कि वो तो 12 बजे ज्ञापन देंगे, हमें तो अब तक बताया नहीं ना बच्चों ने। हम जितना भी रिकमेंड कर सकते हैं हम हमारी हायर अथॉरिटीज को रिकमेंड करेंगे, एक्शन लेना हायर अथॉरिटीज का काम है, वी कैन रिकमेंड द केस। बच्चे कोई बच्चे यहाँ थोड़ी थी, बच्चों कल तो छुट्टी थी, डेफिनेटली बिल्कुल 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 डेफिनेटली आई एग्री विद इट। हम कोई उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि हम उसको किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, जितना हमारे से बन पड़ेगा उतना स्ट्रॉन्गली हम रिकमेंड करेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट। आपने ऑडियो क्लिप सुनी है सर? ऑडियो क्लिप नहीं सुनी। आप पूरा सुनिए किस तरीके से प्रोफेसर, यानी कि जब तक हमारे पास कोई रिटर्न में आएगा ही नहीं सर, अब तक तो हमारे पास किसी भी बच्चे ने किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट तो हमारे पास आप सुनो तो लेंगे ना, बाहर भी बच्चे हाँ तो जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या क्या FIR दर्ज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रोफेसर से आपकी बात हुई जिनका नाम लिया जा रहा है बोर्ड? मेरे पास सिर्फ उनकी कल मेल आई है कि मेरी 3-4 दिन की छुट्टी लगा दी। अच्छा, आपने बात की फोन पे? जो फोन आई नहीं, वो उठाई नहीं रहा फोन उसके बाद। अच्छा, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं गिल्टी है ये? मे भी, मैं तो मना नहीं कर रहा इन चीजों से, देखो बाकी सारी चीजें इंक्वायरी के बाद पता लगी। वो जो प्रोफेसर है जिसपे आरोप लगा, क्या वो छुट्टी लेके चले गए? हाँ, छुट्टी लेके चले गए। क्या नाम है उनका? मनोज कुमार। और जिस तरह से जो ये आरोप लगा रहे, जो कमेटी बनी होती है कॉलेज के अंदर बनी हुई है, वो कमेटी एक शिकायत केंद्र जो बना हुआ होता है, बकायदा मोहनलाल जी जवाब पूरा कट जाएगा, हमारी बात नहीं बनेगी ना बीच में, ठीक है।